वेलकम बैक टू आवर चैनल हाइड आउट प्लेस। तो वीकेंड स्टार्ट हो गया है, आज है फ्राइडे, तो हम लोगों ने प्लान किया है आज सैटरडे, सॉरी वीकेंड चेंज हो गया है, पहले फ्राइडे सैटरडे था, मैं अभी भी उसी जोन में हूँ। अभी आज है सैटरडे, यूएई में अभी सैटरडे संडे होता है वीकेंड, तो आज है सैटरडे। हम लोग जा रहे हैं वीकेंड में अलेन, तो अलेन का जो ड्राइव है ये कितने आवर्स ड्राइव है, लगभग दुबई से 2 घंटे का ड्राइव है, मतलब हम जहाँ पे रहते हैं मनखोल एरिया में, वहाँ से 2 घंटे का ड्राइव है। तो विंटर्स आ रहे हैं और दुबई से अगर आप एक क्विक गेटअवे के लिए कोई एक डेस्टिनेशन चूज कर रहे हैं तो ये वाला जो लोकेशन है इसको अपनी चेकलिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। माउंटेन टॉप में एक सबसे टॉप में एक होटल है जो है मर्क्योर ग्रैंड, तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। हम लोग इस होटल में पहले भी एक बार गए थे 2015 में, तो अराउंड 8 साल पहले हम लोग। तो दुबई से मर्क्योर ग्रैंड का जो डिस्टेंस है 166 किलोमीटर्स है, ये डिपेंड करता है कि आप दुबई के किस पार्ट में हैं। हमारे घर से ये 166 किलोमीटर था जो हमने कवर किया 2 आवर्स में। ड्राइव कर रहे हैं, 1 आवर क्रॉस हो गया है, 1 आवर से ज़्यादा ही हो गया है कुछ, तो हाफ वे हम लोग ऑलरेडी आ गए हैं। और कितना रिमेनिंग है? मोर देन हाफ वे हो गया, अभी 40 मिनट का ड्राइव है, 40-45 मिनट का ड्राइव है। हाँ, मोर देन हाफ वे दिख रहा है दूर से, मतलब पहले हम ऑलमोस्ट पहुँच रहे हैं, पहुँच रहे हैं, माउंटेन्स दिख रहे हैं। पहुंच गए हैं हम लोग मर्क्योर ग्रैंड में, और वैले पार्किंग नहीं है यहाँ पर, अपने बैग्स खुद ही को लेके जाने पड़ते हैं। तो ये है हमारे साथ एक दूसरी फैमिली, ये है मिली दी और ये है देवू भैया। तो यहाँ पर आने के बाद ऐसा हुआ कि हम लोगों ने प्लान किया था कि एक पॉटलक टाइप का इन्होंने बनाया था, मिली दी ने बनाया था फ्राइड राइस, मैंने बनाया था एग करी बहुत ही टेस्टी और यम्मी। हाँ, मेरे को पता है, शी कुक्स वेरी नाइस। लेकिन ऐसा हुआ कि वो मैंने फ्रिज में कल रखा था और वो फ्रिज में ही है, हम इधर आ गए हैं। अकेला फ्राइड राइस है, उसके साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने अभी प्लान किया है कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है वहाँ से देखते हैं कि साइड डिश क्या है मिलता है यहाँ पर। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे 2015 में, हाँ, वैसे तब यहाँ पर इंडियन फूड अवेलेबल नहीं था, कॉन्टिनेंटल ही था, लेकिन लकीली इस बार हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन मेन्यू है, तो बस अभी यहाँ से हम लोग कुछ साइड डिश लेंगे और फिर उसके साथ खाएंगे। सॉरी खाना सबका इस बार आज का लंच पूरा हैम्पर हो गया, ये तो मज़ा याद रहेगा हमेशा। तो ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पर इंटरनेशनल मेन्यू है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन इंडियन के भी है, मतलब कुछ थोड़े बहुत डिशेज हैं इंडियन, तो उसी में से हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा सिलेक्ट किया जाए। तो हम लोग जा रहे हैं हमारे रूम में अभी। तो हम लोग आए हुए हैं अभी मिली दी के रूम में। तो अब यहाँ पर इस रूम में हमने ये रूम स्पेशल है थोड़ा सा, हमने इस रूम को इसलिए लिया है क्योंकि ये जो रूम है ये वाला है मेन डोर, तो ये बीच में से वे है, कनेक्टिंग है ये। और स्ट्रेंजली इसी रूम में हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे 8 साल पहले हम इसी रूम में थे। तो अगर आप लोग इस होटल में आते हैं तो इस होटल में ही एक ऑब्जर्वेटरी डेक है जहाँ से आप माउंटेन टॉप व्यू देख सकते हैं और अलेन सिटी का भी एक टॉप व्यू ले सकते हैं। फिर से आने वाले हैं और कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे, और रात में यहाँ का जो व्यू है बहुत अच्छा होता है, तो वो फिर से एक बार देखेंगे। तो अगर आपको यूएई के माउंटेन टॉप में एक रिलैक्सिंग होटल चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, ये वाला होटल बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है। और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं हमारे लंच का, क्योंकि जो साइड डिश हमने ऑर्डर किया था वो अभी तक नहीं आया। एक्चुअली ये सॉर्ट ऑफ प्लेटरी है, लाइक राइस, पापड़ और ये है चिकन ग्रेवी। खाना हमारा हो गया है बाय द वे, खाने के बाद ये साइमा ने ये ओपन सरप्राइज दिया है मुझे। यहाँ पर यू आर द बेस्ट आंटी, आंटी यू आर द बेस्ट, आई विल नेवर लीव यू,
आई लव यू आंटी, आई लव यू साइमा। तो रूम में ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर टी कॉफ़ी है, यहाँ पर ऑलरेडी हमने हमारे लगेजेस जो है ये हमने प्लेस कर दिए हैं। और ये साइड है वार्डरोब, उस साइड जो एक है एक सेपरेटेड सेक्शन है, ये वर्क टेबल है और यहाँ पर बेड है। और हमारे यहाँ पर एक बालकनी भी है जहाँ से एलेन सिटी का बहुत अच्छा एक व्यू है। वाला बालकनी उनका है और ये वाला हमारा है। रूम में एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसके लिए हमने इस रूम को स्पेशली बुक किया है, ये मेन डोर है। ये वाला जो है ये कनेक्टिंग है, ये उनका रूम है, ये हमारा रूम है। तो अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ यहाँ पर प्लान कर रहे हैं तो इस तरह का एक रूम ले सकते हैं जो अंदर से कनेक्टेड हो। तो हम लोग अभी जा रहे हैं स्विमिंग के लिए और ये सब लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आए हैं, मैं नहीं लेके आई। और ये दो पंख है, ये वाला मैं नॉर्मल ड्रेस में हूँ और ये सब लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम, मैं नहीं जाऊंगी। स्विमिंग तो आता नहीं, क्या करेंगे, तैरेंगे नहीं, वॉक करेंगे अंदर। तो अगर कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं लेके आया हो तो यहाँ पर एक प्रॉपर स्टोर है जहाँ से स्विमिंग कॉस्ट्यूम परचेस कर सकते हैं और यहाँ पर एक प्ले एरिया भी है। तो एनीवे हम लोग आ गए हैं बाहर और यहाँ पर काफ़ी सारे वाटर स्लाइड्स भी है, वो हमने देखा है। मैं पूल में नहीं जाने वाली लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ इनको चीयर करने के लिए। तो देवुदा जाने वाले हैं इस वाटर स्लाइड में। जाओ जाओ और अभी देवुदा आने वाले हैं यहाँ से। साइमा लाई डाउन, तो किसी भी स्लाइड को मैंने अब तक इतना स्लो नहीं देखा है। हम लोग दूसरे साइड आ गए हैं लेकिन अभी तक देवुदा नहीं आए, फाइनली ये ड्रॉप हुए। हम लोगों ने पहले सोचा, मैंने पहले सोचा कि हम लोग स्विमिंग नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स में भी नहीं हूँ। लेकिन वैसे यहाँ पर विदाउट स्विमिंग कॉस्ट्यूम अलाउड नहीं करते हैं लेकिन इस बार किया तो इसलिए मैं भी अंदर हूँ। And we're enjoying. And we're enjoying. अच्छा हमारे पीछे पड़ो। और सब मिली तक पानी में कूद गया है और मजे ले रहा है पूरा। और पीछे उसका हस्बैंड, और अपनी तक के हस्बैंड मजे ले रहे हैं स्विमिंग करते हुए और भिगा रहे सबको। वर्ल्ड ऑफ मिलिजास लाइफ ये एक यूट्यूब चैनल है और काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आते हैं तो अगर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। क्या पीना है? मैंगो जूस, कॉफी। तो स्विमिंग पूल से हम लोग वापस आ गए हैं और हम लोग खा रहे हैं ये राइस पुडिंग जो मिलिदी ने बनाया था और सीरियसली बहुत ही टेस्टी बनाया है। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं बारबेक्यू करने। तो यहाँ पे मैंने हम लोगों ने मतलब पूछा था कि इफ दे आर अलाउइंग इनसाइड द होटल और नॉट, बट दे आर नॉट अलाउइंग इन दिस प्रॉपर्टी, सो रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो बट दे हैव देयर ओन बारबेक्यू सो हैव टू यू नो पे देम फॉर दैट। बट हम लोग लेके आए खुद का, वी हैव ऑल आवर अरेंजमेंट, वी हैव ऑल आवर अरेंजमेंट। तो हम खुद करेंगे, सो एंजॉय करेंगे, खुद बनाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जहाँ पे मतलब थोड़ा सा आई थिंक 400-500 मीटर ऊपर जो टॉप है व्यूइंग डेक है वहाँ पे अरेंज शायद अरेंज है जगह, मैंने हम लोग ने पहले देखा था। तो वहाँ जगह देखते हैं और करते हैं बारबेक्यू। दिस इज द टॉप ऑफ जबल हफी, राइट? सो वी आर हियर। तो हम लोग आए थे ऊपर ये देखने के लिए कि यहाँ पर बारबेक्यू के लिए कोई डेजिग्नेटेड प्लेस है कि नहीं,
लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा प्लेस नहीं है, यहाँ पर भी बारबेक्यू अलाउड नहीं है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा एकदम माउंटेन के नीचे सिटी एरिया में। और मैं जा रहा हूँ चाय पीने। तो ये है पूरा पार्क, हम लोग ऑलरेडी पार्क में आ गए हैं। ये एक बारबेक्यू स्टेशन है, ये हमें मिला यहाँ पर, हम लोगों ने हमारा बारबेक्यू सेट कर दिया है और यहाँ टेबल सेटअप कर दिया है, मैट है, ये हमारा बैग है, ये उनका बैग है, इनमें से सारी चीज़ें अभी निकलेंगी और बारबेक्यू के लिए जाने वाली है। पाइनएप्पल बारबेक्यू, हाँ बहुत यम्मी होता है, उसको चाट मसाले के साथ पूरा और नींबू डाल के। तो बारबेक्यू के लिए यहाँ पर सबका खुद का डिपार्टमेंट है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। So it's ready. Now we will put this in the... ये बन रहा है चिकन। Let's see. थोड़ा टाइम लगेगा। बारबेक्यू हमारा हो गया है और अभी आ गए हैं होटल में हम लोग वापस, और अभी भी पार्टी खत्म नहीं हुई है, अभी भी तो बहुत कुछ बाकी है। हाँ, तो यहाँ से हम लोग व्यू देखेंगे यहाँ से, क्योंकि ये हमारा होटल जो है ये माउंटेन टॉप में है, तो यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिखता है एलेन का, तो वो देखने वाले हैं। और यहाँ हम जा रहे हैं और लुक एट द व्यू, इट इज ब्यूटीफुल द व्यू, the view of Darien city from the top. तो माउंटेन टॉप में ये जो रेस्टोरेंट है काइमा, तो यहाँ पर एक आउटडोर सिटिंग अरेंजमेंट भी है और इंडोर सिटिंग अरेंजमेंट भी है, लेकिन इसमें से हमने प्रिफर किया आउटडोर में बैठना, क्योंकि यहाँ से जो अलेन सिटी का व्यू है ये बहुत ही अच्छा है और वेदर भी बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने बाहर बैठना प्रिफर किया। और मैत्री कैसा लग रहा है, एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, ऐसा सेम एम्बियंस हमने फील किया था जब हम लोग नेपाल में गए थे। Yes. तो ऐसा ही था पूरा, और इतने दिनों के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर आए हैं और एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर किया था, हमारा डिनर कंप्लीट हो गया था, फिर भी हम लोगों ने ऑर्डर किया यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो व्यू के साथ कुछ और भी हमें स्नैक्स लेना था, तो अभी ऑलमोस्ट 12 बजे थे और हमने लिया था फिश एंड चिप्स, तो बस व्यू भी हो गया है, ख़त्म भी हो गया है। हाँ, सिक्स पीस का फिश एंड चिप्स अगर आप लोग आते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है, यहाँ का किचन बहुत अच्छा है, हम लोगों ने दो प्लेट्स दो डिशेस हमने यहाँ से ट्राई किया है। पीछे पूरा सिटी था मेरे और जो भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ये जो है पूरा क्लाउड्स है, तो इस बार कहा है कि ये ऐसा तीन बार ही हुआ है, हम लोग लकी थे कि हम लोग यहाँ पर हमारे स्टे में ये हमें हमने ऐसा देखा, तो ऐसा लग रहा है कि हिल स्टेशन में है। ये है हमारा बालकनी, रात को 3 बजे है अभी रात के 3 बजे है, कुछ इवनिंग के टाइम पे यहाँ पर पूरा सिटी अच्छी तरह से दिख रहा था, और अभी ये नहीं, सिर्फ क्लाउड्स जा रहे हैं, नीचे कुछ नहीं दिखता है, इवन नीचे हम लोग थोड़ी देर पहले तक तो वहाँ पर थे, वो भी प्रॉपर क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर पूरा था कुछ नहीं दिख रहा है और ये सिर्फ क्लाउड्स पास हो रहे हैं। तो बहुत लेट हो गया है, अभी ऑलरेडी 2 बज गए हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, और ये जो सब है ये फॉग नहीं है, क्लाउड्स है, क्लाउड से पूरा कवर्ड है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी हिल स्टेशन में आए हैं। जो तो लग रहा है मैं दार्जिलिंग में आ गया, देखो। तो इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर, और आज का व्लॉग इतना ही, अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे हम फ्यूचर में जो वीडियोज़ बनाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।